आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड मर्करी की असलियत के बारे में। दोस्तों, मैंने भी रेड मर्करी के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई इंटरनेट पर, और विकिपीडिया पर मैंने सर्च किया तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है फिदा TV26 जो रेड मर्करी के बारे में अफवाह फैला रहा है। दोस्तों, आपको हम बता दें, रेड मर्करी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों, पुराने ज़माने के टीवी में ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दोस्तों जैसे धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया और फिर वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो IC का आविष्कार किया, और अभी तक IC ही चल रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है फिदा TV26 हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और हमारे भारत के लोग भी पुराने टीवी रेडियो को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पुराना रेडियो और टीवी मिल तो जाता है मगर उसको खोलने में उन्हें रेड मर्करी और पारा तो नहीं मिलता, मगर वैक्यूम ट्यूब ज़रूर मिल जाती है जिसमें पारा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। में लोग क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बता दें, तो लोग लाल पानी मिलाकर एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं उसे ख़रीद रहे हैं और जो चालाक लोग हैं उसे बेच रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है, यानी कुछ यूट्यूब चैनलों का भी दावा है कि रेड पारा यानी रेड मर्करी बम बनाने के भी काम आती है, ये परमाणु बम के लिए बहुत ही आवश्यकारिक होती है। दोस्तों, जो भी यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने शुरू की लाइन तो पढ़ी है लेकिन उसे पूरी लाइन नहीं पढ़ी। अगर आप पूरी लाइन पढ़ लेते तो आप ये नहीं कहते। दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि मर्करी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक रशियन वैज्ञानिक ने अफवाह फैलाई थी। अगर आपको पूरा श्योर नहीं हुआ तो आप विकिपीडिया पर जाएं और पूरा श्योर करें, रेड मर्करी नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकिपीडिया एक सरकारी वेबसाइट है और उसमें अपने सच को और झूठ को क्लियर किया जाता है। ओके भाई, फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।